हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने बेबी के ग्रीन पॉटी के बारे में। जी हाँ, वैसे मैं ग्रीन पॉटी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बहुत यूज़फुल वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक कर कर उसे देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। हालांकि अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसमें मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो मदर हैं बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि ग्रीन पॉटी को कैसे रोकें, उसको किस तरीके से, अगर बेबी ग्रीन पॉटी बार बार कर रहा है तो इसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से बंद किया जाए, क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है बेबी के लिए। तो उनकी ये सारी जो क्वेश्चन है उनको स्टॉप करने के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे पास लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रीन पॉटी कर रहा है, हम उसे क्या खिलाएं, क्या दें जिससे कि उसकी ग्रीन पॉटी बंद हो जाए, क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है बेबी के लिए। तो डियर पेरेंट्स, घबराएं नहीं, आज की जो वीडियो है आपके लिए वाकई में काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ये चीज़ जो मैं बताती हूँ, कुछ भी शेयर करती हूँ वीडियो में, वो मेरी पर्सनल अपनी बेबी के साथ एक्सपीरियंस की हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि कभी कभी एंड में मैं बहुत सारी यूज़फुल बातें बताती हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेकेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को शेयर कर दीजिए जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं। हम बात करते हैं कि ग्रीन पॉटी सबसे ज़्यादा किन बच्चों को आती है। देखिए, जो ग्रीन पॉटी आपकी आएगी 0 से लेकर जो 7-8 मंथ तक के बेबी होते हैं, इन बच्चों को बहुत ज़्यादा ग्रीन पॉटी आती है, ठीक है ना। पर जैसे ही बच्चा 9th, 10th या 1 ईयर क्रॉस कर जाता है तो उसको ग्रीन पॉटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या बहुत कभी कभार ही ऐसा होता है कि उसको ग्रीन पॉटी आती है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर देता है तो फिर उसको नॉर्मल जो पॉटी आती है वो थोड़ी सी जो नॉर्मल बेबी को आनी चाहिए थी उसी तरीके से आती है, जो कलर होना चाहिए उस कलर में आती है, ग्रीन पॉटी नहीं आती है। तो हम इसके रीज़न जान लेते हैं कि बच्चे को ग्रीन पॉटी आती क्यों है। हालांकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगी कि आप सभी जानते हैं छोटा बेबी है, 2-2.5 साल तक मदर फीड करता है, ठीक है ना। तो अगर माँ कुछ भी ऐसा ग्रीनी खा लेती हैं, या कुछ कब्ज वाला, या कुछ उन्होंने ऐसा खा लिया है जैसे हरी सब्जियाँ खा ली हैं, कुछ ग्रीन कलर का कुछ फूड में उन्होंने लिया हुआ है, तो क्योंकि बेबी माँ का फीड मदर फीड करता है तो इस वजह से भी बच्चे को ग्रीन पॉटी आती है। सेकेंड, अगर आप अपनी बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे रही हैं, चाहे आप कैसा भी किसी भी कंपनी का फॉर्मूला मिल्क बेबी को पिला रहे हो, चाहे सिमिलेक का है, चाहे लैक्टोजन का है, चाहे किसी भी ब्रांड का है, तो फॉर्मूला मिल्क देने से भी बेबी ग्रीन पॉटी करते हैं, क्योंकि और उसकी जो जब बेबी फॉर्मूला मिल्क लेता है और जो पॉटी करता है उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, और पॉटी आपको छिड़छिड़ी सी, और मतलब डेली से उसके कलर चेंज होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेली पॉटी होती है वो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मिल्क लेने से भी बेबी को ग्रीन पॉटी आती है। थर्ड, हम बात करते हैं काओ मिल्क। देखिए, काओ मिल्क तो 100% है कि काओ मिल्क से बेबी को ग्रीन पॉटी आती है। अगर आप अपने बच्चे को जो 1 साल से छोटा है और उसको आप काओ मिल्क दे रहे हैं तो बच्चा 100% ग्रीन पॉटी करता है, ठीक है ना। इसमें आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं, आपका छोटा बेबी है 1 ईयर से छोटा है तो प्लीज़ उसको काओ मिल्क नहीं देना है, क्योंकि काओ मिल्क में बहुत सारी जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है जो आपके बच्चे को नहीं मिल पाएगी। तो आपका 1 ईयर से छोटा बच्चा है तो प्लीज़ उसको काओ मिल्क ना पिलाएं, ठीक है ना। काओ मिल्क के ऊपर भी मैंने एक बहुत यूज़फुल वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ जाकर आई बटन पर क्लिक करके उसको देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। तो मैंने आपको 3 मेन रीज़न बताए हैं, एक तो मदर फीड, फॉर्मूला मिल्क और काओ मिल्क, ठीक है ना। इनकी वजह से बच्चा ग्रीन पॉटी करता है, ठीक। या कोई भी बेबी का स्टमक इन्फेक्शन हो गया, या कुछ भी बेबी ने गलती से मुंह में डाल लिया, तो उसके वजह से भी कभी कभी बच्चे ग्रीन कलर की पॉटी करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि ये घबराने वाली बात है, क्या हमें अपने डॉक्टर को ले जाना है, इस बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना टेंशन लें कि बेबी, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि बेबी 4-5 दिन लगातार भी ग्रीन पॉटी कर सकता है, या एक दिन में जितनी बार भी वो करेगा ग्रीन पॉटी ही करेगा, ठीक है। तो आप उसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको बस एक चीज़ नोटिस करनी है कि ग्रीन पॉटी अगर बेबी कर रहा है तो क्या उसकी एक्टिविटी चेंज हो रही है, क्या वो मतलब थोड़ा सा जैसा डेली में वो बहुत मतलब एक्टिविटी शो करता है, अच्छे से खेलता है, या फिर जो भी मतलब उसका जो खेलने का और खाने पीने का रूटीन है वो थोड़ा सा डल हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल है, प्रॉपर जो दूध पीता है, जितना दूध पीता है उतना दूध पी रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, एक्टिव आपको वो नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम उसको ग्रीन पॉटी करने से नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि मैम मेरे बच्चे ने 3-4 बार ग्रीन पॉटी कर दी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आफ्टर 3 और 4 डेज वो नॉर्मल पॉटी करने लगेगा, ठीक है ना। ये इन 3 कारणों से भी होता है, और कभी कभी हमारे जो बेबी के अंदर जो बाइल जूस ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है या उसका कंजप्शन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी बच्चा ग्रीन पॉटी करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैंने बताया जो पित्तरस की थैली से जो पित्तरस निकलता है उसके सीक्रेशंस के ज़्यादा सीक्रेशंस की वजह से जब उसका कंजप्शन नहीं हो पाता है तब भी बच्चा ग्रीन पॉटी करता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि अब बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रीन पॉटी कर रहा है, आज 4-5 दिन हो गए उसकी ग्रीन पॉटी बंद नहीं हो रही, बिल्कुल बंद हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस आपको उसी समय ध्यान देना है कि आपका बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा डल तो नहीं हो गया, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, या उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, या फिर बिल्कुल सो ही रहा है, सुस्त पड़ गया है, ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ले जाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, चुस्त है और हेल्दी है, ठीक है ना। तो ये सारे रीजंस हैं ग्रीन पॉटी आने। डियर पेरेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे की ग्रीन पॉटी लगातार आ रही है और आप चाह रहे हो कि उसकी पॉटी रुक जाए, तो आप उसके लिए एक होम रेमेडीज ट्राई कर सकती हैं, आई होप वो आपकी बेबी के लिए वर्क करेगी। वो है कि आप सब भी जानते हैं जायफल के बारे में, आप जायफल अच्छे से पत्थर पर घिस लीजिए, अच्छे से जब तक वो एक थिकनेस ना आ जाए लिक्विड में, उसको लीजिए पत्थर पर, उसे घिसिए, इस तरह से आप उसे घिसोगे वो इजीली घिस जाता है। घिसने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा निकल कर उसको अच्छे से आप दूध में मिलाकर बेबी को सुबह शाम उसे चटा दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, आधा चम्मच देना है दूध में डालकर, आधा चम्मच सुबह शाम आप अपनी बेबी को दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके बेबी की ग्रीन पॉटी जो बार बार बेबी कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा, प्लस अगर लूज मोशन वो रखे उसको बार बार वो पॉटियाँ कर रहा है तो उसमें भी उसको आराम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक होम रेमेडीज है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने बेबी को दे सकते हैं, जायफल अच्छे से घिसकर पत्थर पर उसको दूध में मिलाकर, अपने दूध में मिलाकर दे दीजिए या नॉर्मल दूध में मिलाकर दे दीजिए, अपनी बेबी को आप पिलाइए, उससे बहुत उसको हेल्प मिलेगी लूज मोशन में भी और ग्रीन पॉटी में भी। क्योंकि देखिए जब मेरी बेबी छोटी थी तो कम से कम 10-15 दिन ग्रीन पॉटी करती थी, लेकिन वो हमेशा खेलती, जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी थी वही थी, नॉर्मल थी, अच्छी थी। क्योंकि मैं जब मुझे पता नहीं था, मैं अपनी बेबी को काउ मिल्क पिला रही थी, फिर मुझे डॉक्टर ने मना करा कि अगर आप अपनी बेबी को काउ मिल्क दे रही हैं तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, काउ मिल्क से बेबी को ग्रीन पॉटी होती है, प्लस बहुत सारी डिफिशियंसी बेबी के अंदर रह जाती हैं। तो इस वजह से मैंने काउ मिल्क देना बिल्कुल बेबी को स्टॉप कर दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसकी कभी ना कभी ग्रीन पॉटी आती रहती थी, कभी कभी दिन में 5-5, 6-6 बार, 8-8, 9-9 बार उसको ग्रीन पॉटी होती थी, लेकिन मैंने कभी उसको डॉक्टर के पास इससे संबंधित नहीं ले गई। आप ले जाओगे, डॉक्टर दवाई दे देंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स हैं कि मैम हमने डॉक्टर को भी दिखा लिया, डॉक्टर से भी दवाई दे ली, लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी आराम नहीं, वो लगातार ग्रीन पॉटी कर रहा है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप उसको ऐसे ही नॉर्मल छोड़ दीजिए, जो खिला रहे हैं वही खिलाइए। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा और सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देगा तो उसकी ये प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो डियर पेरेंट्स, बिल्कुल भी ना घबराएं, टेंशन ना लें, जैसा मैंने बताया उस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो
तो डियर पेरेंट्स, अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को शेयर करिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय पेरेंट्स।